Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel, Mahendra.com. The Brahmas for success. Your success is our success. स्वागत है आप सभी का mahendraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आज हम लेके आए हैं एंड ऑफ कन्फ्यूजन्स में आप ही का चाहा हुआ टॉपिक सब्जेक्ट रीजनिंग का जो कि है बाइनरी कोडिंग. जी हाँ, महत्वपूर्ण टॉपिक क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं आपके उसमें इस बाइनरी कोडिंग से 3 से 5 क्वेश्चन, जी हाँ 3 से 5 प्रश्न बन सकते हैं. तो आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं प्रश्नों को हल करने के आसान तरीके कि आप 2 मिनट के अंदर ये 3 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके अपने उत्तर विकल्प चुन सकें. तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है वो है आपका बाइनरी कोडिंग. बढ़ते हैं उसके साथ आगे, लेकिन बिल्कुल उससे पहले हमारी महिंद्रास की ऐप डाउनलोड करना ना भूलें. एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाके महिंद्रास टाइप करें और महिंद्रास का ऐप डाउनलोड कर लें क्योंकि इस के डाउनलोडिंग के साथ ही आपको वीडियोस के, वैकेंसीज के सारे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आसानी से अपने फोन पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे. तो बिल्कुल हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड प्ले स्टोर से आसानी से. चलिए बढ़े आगे और फटाफट देखें इन प्रश्नों के इंस्ट्रक्शंस या इन प्रश्नों में एक्चुअली हमें बताया क्या जाता है और किस तरीके से आपके सामने गठित किया जाता है कि कैसे इन प्रश्नों को आगे आप हल करें. बिल्कुल इसी तरीके कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, इसी तरीके से कुछ निर्देश दिए जाते हैं हमें. एक एक निर्देश हम पढ़ते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे करना क्या है. एक निश्चित कूट भाषा में 0 का प्रतीक कॉपीराइट है और 1 का प्रतीक एट द रेट है. मतलब ये हुआ कि जहां कहीं पे भी हम 0 पाएंगे या जहां कहीं पे भी हम 0 लिखेंगे हम उसका प्रतीक क्या रखेंगे, कॉपीराइट. और जहां कहीं पे भी हम 1 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एट द रेट. अब 1 से बड़ी संख्याओं के लिए और कोई भी प्रतीक नहीं है, मतलब हमें इन्हीं कॉपीराइट और एट द रेट को ही प्रयोग करना है. 1, 0 और उससे बड़ी संख्याएं भी अगर आती हैं तो कोई अलग से प्रतीक नहीं प्रयोग किया जाएगा. 1 से बड़ी संख्याओं को इन्हीं 2 प्रतीकों से प्रयोग से संबंधित किया जाएगा, तो यही हमने आपको बता दिया. अब 1 के लिए दिया गया प्रतीक खुद को 2 गुना करके 1-1 स्थान खिसकता जाएगा. मतलब क्या है इसका, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है अगर आप देखें तो, कि 1 के लिए दिया गया प्रतीक खुद को 2 गुना करके 1-1 स्थान खिसकता जाएगा. मतलब सीधा है कि हमने बोला 1 है हमारे पास, तो जब 1 है हमारे पास तो ये बाएं तरफ जब खिसकेगा तो बस 1 से ये दुगना होगा तो 2 हो जाएगा, 2 से दुगना होगा 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16, 16 से 32 और इसी तरीके से आगे वो 64 तक और उसके आगे पहुंचता जाएगा. मतलब ये निर्देश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी निर्देश से पाई हुई ये सीरीज का ही प्रयोग होगा इन प्रश्नों में. 1 के लिए दिया गया प्रतीक खुद को 2 गुना करके 1-1 स्थान खिसकता जाएगा. चलिए उदाहरण जो दिए हुए हैं उनको जरा हम देखें. 0 का प्रतीक तो कॉपीराइट है बिल्कुल, 1 का प्रतीक एट द रेट है क्योंकि प्रश्न में भी यही दिया हुआ था. अब 2 के प्रतीक के लिए देखिए इन्हें क्या किया, 2 के प्रतीक के लिए लिया है एट द रेट और कॉपीराइट. अब 2 के प्रतीक के लिए एट द रेट और कॉपीराइट क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू इस सीरीज के देखें तो मतलब यही हुआ 2 को डिनोट करना है, मतलब 2 आ रहा है दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर मतलब एट द रेट तो यहां आ जाएगा क्योंकि हम डिनोट कर रहे हैं ना, और हमें डिनोशन इन्हीं बाइनरी से ही तो करना है, इन्हीं कोड से तो करना है क्योंकि ऊपर ये लिखा हुआ है 1 से बड़ी संख्याओं के लिए और कोई भी प्रतीक नहीं है, मतलब इन्हीं को ही हमें प्रयोग करना है, तो बस 2 के लिए एट द रेट. अब 0 के लिए कॉपीराइट है और देखिए यहां हमने 1 का प्रयोग नहीं किया है तो कॉपीराइट. इससे आप ये बात जान लीजिए कि जिस भी अंक का, जिस भी डिजिट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा, हम उसको किससे, प्रतीक से आधारित कर देंगे, कॉपीराइट से. तो यहां हमें 2 के लिए कोड बनाना था तो देखिए एट द रेट कॉपीराइट बन गया. अब वैसे ही अगर 3 के लिए हम बात करते हैं एट द रेट तो वही चीज है आपके लिए कि आप यहाँ पे 2 का भी प्रयोग कर रहे हैं, 1 का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एट द रेट हो गया क्योंकि 2+1 ही तो 3 होता है और इसी तरीके से आगे सारे के सारे है. मतलब ये उदाहरण भी आपको एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस में समझाए जाते हैं कि कैसे इनको आगे हमें फॉर्मेटाइज करना है. तो चलिए जरा फटाफट प्रश्न देखें, पर प्रश्न के लिए आप ये ध्यान रखना एट द रेट जिन संख्याओं को, अंकों को, वो जो सीरीज हम बनाएंगे 1, 2, 4, 8 डबल वाली, तो उसी के साथ जिन संख्याओं का प्रयोग होगा एट द रेट, जिन संख्याओं का प्रयोग नहीं होगा कॉपीराइट. चलिए देखें पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है. पहले प्रश्न में कहा है 18 का कूट उसी भाषा में क्या होगा, बस 18 को कोट करना है. तो जब हमें 18 को कोट करना है
है, सीरीज जो हम यूज करेंगे वो यही है। ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 18 16 के आसपास 32 से बहुत दूर है, तो इसीलिए आप 16 का डबल मत कीजिए, 16 तक रुक जाइए। अब 18 को हमें इसी कोड में इसी सीरीज से निकालना है। 18 को दो भाग में अगर हम बांट दें, क्योंकि इस कहीं भी श्रृंखला में सीरीज में हमें 18 नहीं मिल रहा, तो 18 को कहीं ना कहीं इन्हीं संख्याओं से बनाना पड़ेगा। जैसे हमने उदाहरण में देखा 3 नहीं था हमारे पास, तो हमने 2 और 1 को प्रयोग करके 3 बनाया, तो बस यहाँ हमें 18 को भी वैसे ही करना है, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं 16 और 2, क्योंकि नियरेस्ट सबसे पास में जो है वो सबसे पास में 16 है, तो हमें 16 की जरूरत है, और 16 जब हमने ले लिया तो बचा सिर्फ 2 ही तो है, तो बस हम 2 को भी यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए, जिन संख्याओं को, जिन अंकों को हम यूज कर रहे हैं एट द रेट, और जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल कॉपीराइट, मतलब यहां हम 16 के लिए एट द रेट रख सकते हैं, 2 के लिए एट द रेट रख सकते हैं, तो बचा क्या फिर आपका 8, 4 और 1, इनके लिए सीधा कॉपीराइट, क्योंकि कॉपीराइट का मतलब या तो 0 है या तो नो यूटिलाइजेशन, कोई भी प्रयोग नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए, हमने 18 को जब बाइनरी में कोड किया तो ये कोड क्या निकल के आया, एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट एट द रेट कॉपीराइट, मतलब सीधा सीधा सा उत्तर हो जाएगा हमारा पहला विकल्प, एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट एट द रेट कॉपीराइट। बहुत आसानी से उत्तर निकल के आएगा, क्योंकि हमें जो भी संख्या दी हुई है हमें इसी सीरीज के हिसाब से करना है, और वो निर्देश याद रखना है, बार बार हम दोहरा रहे कि जब हम किसी संख्या को सिंबलाइज करेंगे एट द रेट से करेंगे, और जब हम किसी को भी यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, हम वहां कर देंगे क्या कॉपीराइट। तो बस ये हो गया हमारा प्रश्न, 18 को हमने ब्रेक किया, बाइनरी में कोड किया, विकल्प अपना मार्क किया। तो क्या इन प्रश्नों को हल करना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए देखें आगे दूसरा प्रश्न आपके लिए क्या है। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है @@@@ कॉपीराइट को @@@@@ 5 बार @ से घटा दिया जाए, मतलब सीधा है 5 बार @ हमें दिया हुआ है, और जब ये 5 बार @ हमें दिया हुआ है तो वही सीरीज के हिसाब से अगर हम इसके नीचे अंकों को रखें, क्योंकि अभी हमें ये निकालना है इन 5@ की सांख्यिक वैल्यू क्या है, इन 5@ का मतलब क्या है, तो जब हम उसी सीरीज से लेंगे तो 16, 8, 4, 2, 1 इन सबको जोड़ देंगे तो एक्चुअली 31 का मतलब होता है @@@@, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में हमने 18 को बाइनरी में जो कोड किया था तो वही लंबा सा आया था, तो बस यहाँ पे यही 5@ का मतलब है 31। अब इसमें से हमें घटाना है @@@@ और कॉपीराइट, बस। तो ये सीरीज फिर से यूज होगी 1, 2, 4 और 8, और बस बिल्कुल ये बात हमें पता है कॉपीराइट का कोई यूज नहीं है या 0 है, तो मतलब हमें सिर्फ जो शेष या जोड़ निकालना है वो यही आएगा 8, 4, 12 और 2, 14। दैट मीन्स 31 में से जो संख्या हमें घटानी है वो है 14, क्योंकि 5 बार @ का मतलब है 31 और 3 बार @ एक कॉपीराइट का मतलब है 14, तो 31 में से जब आप 14 को घटाएंगे तो बच के क्या आएगा 17, बिल्कुल। अब ये हमारा शेषफल है, अब जब ये हमारा शेषफल है तो एक्चुअली यही हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे साफ कहा गया है शेषफल के अंकों का जोड़ क्या होगा, तो बस शेषफल के अंक है 1 और 7, जोड़ दीजिए इन्हें तो निकल के क्या आएगा आपका 8, मतलब सीधा सीधा सा विकल्प नंबर 2 हमारा इसका उत्तर कहलाएगा। तो बस प्रश्न 2 का भी उत्तर आपने निकाल लिया, बहुत आसान है अगर आप इन्हें आसानी से समझ के उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करें तो। चलिए देखें तीसरे प्रश्न में आपके लिए क्या कहा गया है। तीसरे प्रश्न में कहा गया है बस सांख्यिक मान निकालना है हमें @@@@ का, तो बिल्कुल करेंगे हम वही @@@@ शुरुआत वही दाएं से बाएं करनी है 1, 2, 4, 8 और 16। तो जरा यहां देखिए जिन जिन पे कॉपीराइट लगा है उनका प्रयोग हमें नहीं करना है, मतलब 16 और 4 20, 20 और 1 21, तो बस इन 3 संख्याओं का मान सीधा सीधा सा सांख्यिक मान आ जाएगा विकल्प नंबर 4, 21। तो बाइनरी कोड को हमने संख्या में कन्वर्ट कर दिया। प्रश्न 1 में हमने संख्या को बाइनरी बनाया था, यहाँ हमने बाइनरी को संख्या बना दिया। बहुत आसान है ये प्रश्न अगर आपको वो इंस्ट्रक्शंस और निर्देश समझ में आए तो। अब अगर @@ को @ से गुणा किया जाए तो फिर गुणनफल क्या प्राप्त होगा, बस वही @@@ को मल्टीप्लाई करना है किससे, @ से। सीरीज वही होगी 1, 2, और 1, 2 मतलब 2+1, 3, क्योंकि @@ का मान क्या है 3, @ सिर्फ है मतलब 1,
तो मतलब तीन को एक से गुणित करना है तो गुणनफल क्या निकल के आएगा, तीन, मतलब सीधा सीधा सा विकल्प नंबर तीन हमारा उत्तर हो गया। बस इतना ही तो है इन प्रश्नों में, कोई बहुत ज्यादा परेशानी या बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थोड़ी है। बस फंस हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि बाइनरी है, ऊपर जो चार पांच लाइन लिखी है वो हमें समझ में नहीं आई। तो देखिए शुरू में हमने वो इंस्ट्रक्शंस आपको साफ तरीके से समझा दिए हैं कि करना हमें कुछ नहीं है, बस जो हमें दो वैल्यूज दी जाती हैं, दो सिंबल दिए जाते हैं, दो चिन्ह दिए जाते हैं, उनका ही तो प्रयोग करना है। चलिए देखिए आगे पांचवें प्रश्न में आपके लिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा है 120 का 30% उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब थोड़ा सा मैथ्स भी आ गया है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 120 का 30% तो सबसे पहले तो हम आपको यही निकाल के बता दें, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं 120 का 30% सीधा सीधा क्या आएगा, 36। मतलब ये सीधा सीधा मांग रहा है हमसे कि 36 का बाइनरी कोड क्या होगा, 36 को हम बाइनरी कोड में कैसे लिखेंगे। तो बस 36 को बाइनरी कोड में लिखना है, उसी सीरीज का प्रयोग करें 1, 2, 4, 8। अब 16 पे रुकेंगे नहीं, 32 तक जाएंगे क्योंकि बात 36 की है, और जब बात 36 की है तो 36 को आसानी से सबसे पहले 32 में ब्रेक किया जा सकता है और 32 प्लस 4 किया जा सकता है। बिल्कुल 32 प्लस 4 36 हो जाएगा, मतलब 32 के लिए एट द रेट आएगा और 4 के लिए एट द रेट आएगा। अब बिल्कुल सही पहचाना आपने कि बाकी जितनी भी संख्याएं, जितने भी अंक बचे हैं, उन सबका कोड कॉपीराइट हो जाएगा, मतलब 16 भी कॉपीराइट, 8 भी कॉपीराइट, 2 भी कॉपीराइट और 1 भी कॉपीराइट, क्योंकि जिन संख्याओं का अंकों का कोई काम नहीं हमारे लिए, कोई महत्व नहीं, तो वो सीधा सीधा सा क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। मतलब सीधा है एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट हमारा आंसर है, जो कि है विकल्प नंबर पहला। एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट मतलब कुछ नहीं है, आपको सीधे उन्हें संख्याओं में बदलना है, और संख्याओं को बदलने के बाद वो जो शुरू में हमने सीरीज निकाली थी कि एक हर बार दुगना होता जाएगा बाएं तरफ, जब वो बढ़ेगा तो 1, 2, 4, 8, 16 इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। बस आपकी जिन संख्याओं का मान का जिनका महत्व है, जिनका यूज है, आप उनको एट द रेट रखिए, जिनका नहीं है उनको कॉपीराइट कर दीजिए, बस आसानी से प्रश्न हल हो गए। तो क्या ये बाइनरी कोडिंग के प्रश्न बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इनका प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी कहीं ना कहीं पकड़ नहीं बनेगी इन प्रश्नों में, और आप कंफ्यूज होते रहेंगे उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के साथ। हर बार एट द रेट कॉपीराइट नहीं मिलेगा आपको प्रश्नों में, डॉलर हैश या कोई भी ऐसा चिन्ह यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, पर आप ये याद रखिएगा किसी एक चिन्ह का मतलब 1 होगा तो किसी एक चिन्ह का मतलब 0 होगा, मतलब सीधा है किसी एक चिन्ह का मतलब आपको कोई संख्या रखनी है, और किसी एक चिन्ह को आपको तब रखना है जब आप किसी का प्रयोग या किसी सांख्यिक मान को नहीं मानेंगे। तो बस ये थे हमारे बाइनरी कोडिंग के एक छोटे से आसान से तरीके क्वेश्चन को, प्रश्न को हल करने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है लाइक जरूर कीजिए, और जी हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे पिछले वीडियो में आपने कमेंट किया और आपका चाहा हुआ टॉपिक आज हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ, जो कि आपके प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है, तो बिल्कुल इस वीडियो में भी कमेंट करके बताइएगा कि आप अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। शेयर भी कर सकते हैं आप हमारा वीडियो, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें और हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन जाएं। एंड ऑफ कन्फ्यूजन का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं आज, ये कहते हुए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।